What's up my friends, kya hal chal, welcome back to another video and in this video we are going to talk about top 10 universities in Germany. तो बेसिकली जर्मनी के अंदर वैसे तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड जर्मनी का अंदर जो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी का कल्चर है उसकी वजह से जो इनकी इनफैक्ट अगर आप टॉप 50 टॉप 100 भी आप उठा के देख लोगे सब के अंदर एजुकेशन जो होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है बिकॉज एजुकेशन वहाँ पर बस फ्री नहीं है, एजुकेशन के ऊपर ही सारी की सारी जर्मनी की इकोनॉमी और इंडस्ट्री डिपेंड होती है। वो रिसर्च के बेसिस पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बेसिस पे अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सब कुछ जो उनका बेस हुआ है, उन्होंने जो एक बेस बनाया है वो एजुकेशन को बनाया है। तो एजुकेशन वहाँ पर बस एज अ ह्यूमन राइट ही नहीं कंसिडर करी जाती, बट एजुकेशन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में फोकस करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ग्लोबली पॉपुलर हैं, और उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी वेल प्लेस्ड है, या तो बहुत बड़ी सिटीज़ के अंदर या फिर किसी बड़े इंडस्ट्रियल हब के पास में, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन अच्छी बस और बस उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलती है। यूनिवर्सिटीज़ जो छोटे टाउन के अंदर भी होती हैं उनके अंदर भी एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी एंड साथ में हम उनका जो उनके एलुमनी नेटवर्क है कि किस यूनिवर्सिटी से कितने ज़्यादा लोग पास आउट हो चुके हैं और उनका कितना बड़ा नेटवर्क है जर्मनी के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना जो एलुमनी नेटवर्क है वो कितना स्ट्रांग और कितना बड़ा है। जो सबसे पॉपुलर नंबर वन रैंक पर यूनिवर्सिटी आती है मोस्टली वो है TU म्यूनिक एंड ऑब्वियसली दिस इज़ बेस्ड आउट ऑफ म्यूनिक। तो कुछ इसका इस तरीके से कैंपस है जो कि म्यूनिक की बढ़िया ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के बीचों बीच में है एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सेंटर ऑफ द म्यूनिक सिटी एंड व्हेन इट कम्स टू इट्स एलुमनी नेटवर्क, अगर आप लिंक्डइन पर जाके देखोगे एंड स्कूल में फिल्टर करेंगे TU म्यूनिक, देन यू विल बी एबल टू सी दैट देयर आर 1500 पीपल दोज आर एसोसिएटेड विद TU म्यूनिक। तो इसका मतलब है इनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जर्मनी के अंदर। जो हमारी सेकंड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी में की लिस्ट में आती है वो है हमारी हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जिसका ये इस समय जो आप देख रहे हैं गूगल पे ये है इनका नया कैंपस, और जो इनका पुराना कैंपस है वो थोड़ा सिटी, जो इनका पुराना सिटी सेंटर है वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं, बट मोस्टली दे हैव लाइक मूव्ड देयर न्यू एजुकेशन लाइक एवरीथिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर टू दिस न्यू कैंपस। And location wise, this is based out of Baden-Württemberg, which is in the south. So Munich is also in the south, that's based out of Bavaria. And Heidelberg University is also in south, close to the northern part of the Baden-Württemberg state, but overall it's still in the southern region of the country. एंड अगर हम इनके एलुमनी नेटवर्क को देखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज, इट इज़ अबाउट 70,000 पीपल दोज आर एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ अगेन ऑलवेज ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी इज़ LMU, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, एंड अगेन दिस इज़ बेस्ड इन द सेंटर ऑफ द म्यूनिक, क्लोज टू द सेंटर ऑफ द म्यूनिक, like surrounded by those beautiful orange roofed buildings. And so let me show you where it is located in the Germany. So this area on the south, like on the southern part, is the Alps. So these are the mountain ranges and here it is the Munich. तो नॉन सेटेलाइट व्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिस इज़ द जर्मन बॉर्डर, हेयर यू कैन सी द जर्मन बॉर्डर एंड हेयर इन द म्यूनिक एरिया इट इज़, वेयर एज द हाइडलबर्ग वॉज हेयर द हाइडलबर्ग सिटी एंड TU म्यूनिक वॉज ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ म्यूनिक। सो इनके हम एलुमनी नेटवर्क देखते हैं एंड दैट इज़ अबाउट 1500 एंड दैट इज़ आई थिंक द बिगेस्ट सो फार दैट वी हैव सीन। सो दो ये बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी म्यूनिक में बेस्ड हैं, बेसिकली इस पूरे बवेरियन स्टेट के अंदर जो इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये दो हैं और दोनों म्यूनिक में बेस्ड आउट ऑफ हैं। तो अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज़ द फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन, तो ये हमारी अभी पहली यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्दर्न पार्ट से है हमारी जर्मनी के, एंड जो इनका कैंपस है दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस कैंपस इज़ स्लाइटली आउटसाइड द सिटी ऑफ बर्लिन। वैसे जो बर्लिन सिटी है वो बहुत ही बड़ी सिटी है साइज़ वाइज,
तो उनके आउटस्कर्ट की साइड पर थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन है, बट अगेन दिस यूनिवर्सिटी इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी पॉपुलर। एंड इनके अगर हम एलुमनी नेटवर्क देखते हैं सो दैट इज़ अबाउट 96,000, सो विच शोज़ अगेन दैट दिस इज़ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। सो अगली यूनिवर्सिटी पे आ जाते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन जर्मनी इज़ द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। अगेन दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ बर्लिन, सो ये हमारी नॉर्थ की सेकेंड यूनिवर्सिटी होगी एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू सिटी सेंटर। तो जो ये एक बर्लिन का सेंटर गेट है दैट इज़ ब्रैंडनबर्ग गेट, तो ये उसके काफ़ी पास में आ जाती है। बट अदरवाइज एजुकेशन क्वालिटी वाइज दीज आर ऑल एट सिमिलर लेवल काइंड ऑफ। एंड नाउ लेट्स सी कि इनके लिंक्डइन पे जो एलुमनी नेटवर्क है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ अबाउट 81,000 पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी ऑन लिंक्डइन। तो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑन दिस टॉप 10 लिस्ट इज़ द कार्लसरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स लाइक कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज। And this university is also based towards the southern west part of the country. So let me show you where it is based. So जो हमारी Heidelberg University थी जो south में थी, ये उसके भी थोड़ा और south में पड़ती है and this is again in the state of Baden-Württemberg. So all the universities those who are located in this region of like this state of Baden-Württemberg, इनकी education entirely free नहीं है, they cost about 1500 euro per semester for the non-German, non-EU students. But because these universities, these top universities in Baden-Württemberg are so renowned for their quality of education, I think that is why the fee should not be the issue for these particular universities. So let's see the alumni network of Karlsruhe Institute of Technology. So they have about 64,000 people on LinkedIn. Again, that shows it's a huge alumni network that they already have. That means it's a very well set up old school and very popular in Germany. So the next on our list is RWTH Aachen University, and this is more towards the west side of the country. Again, this is the campus, how it looks, quite a modern kind of a campus. And when it comes to the alumni size of RWTH Aachen University, it's about 94,000, which is like huge again. So I think any university that has a alumni size more than 10,000 or 20,000, I think that is really very good. And these universities, because these are one of the most popular universities in Germany, they have huge alumni network size. Especially because these are technical universities mein batch sizes zyada hote hain, bahut sare bacche bhi ek sath admit lete hain, to inka alumni network thoda zyada bada ho jata hai. And that is why these kind of universities are kind of more popular in Germany, because inka jo apna network se support milti hai in universities ko, ek popularity milti hai, wo ek zyada ho jati hai. But recent times ke andar jo hamari Hochschule and Fachhochschule se hote hain, कि अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं एंड वो आज के टाइम पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के बराबर आ चुकी हैं। बिकॉज आज के मॉडर्न टाइम के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है एंड बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज़ टाइम, तो आजकल जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो कि अभी तक टॉप 10 की लिस्ट में काउंट नहीं करी जाती, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बिकॉज दीज काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज के, मतलब अगर कोई उसमें जाता है तो वो अपनी फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज लेके ही उससे बाहर निकलता है। एंड दिस काइंड ऑफ लाइक यूनिवर्सिटीज आर ऑसम फॉर पीपल दोज हु वांट टू जॉइन द जॉब इंडस्ट्री, बट इफ यू वांट टू डू द रिसर्च देन आई थिंक टेक्निकल यूनिवर्सिटीज स्टिल हैव अ मच बेटर एडवांटेज देन द होकशुलेज और द फाकशुलेज, बिकॉज दे आर मोस्टली रिसर्च फोकस। तो अपनी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी टॉप 10 की लिस्ट में आती है विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर इज द बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस इज हाउ देयर कैंपस लुक्स। So this is how their campus looks and this is kind of the main central road of the Berlin. Iski location bhi Berlin ke andar hi hai and it is not far away from the center of the Berlin. And when it comes to the alumni size of Technical University of Berlin, it is again 82,000 people that are connected to this university on LinkedIn. अपनी जो next university आती है that is the Eberhard Karls University of Tübingen. सो जो ये ट्यूबिंगन एरिया है दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी एंड इट्स ऑल्सो इन द बाडन-वुर्टेम्बर्ग स्टेट। सो एंड दिस इज़ हाउ द कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लुक्स। तो ये जो बिल्डिंग एरिया है यहाँ पर मोस्टली कैंपस का पढ़ाई वगैरह का काम होता है एंड देन बिहाइंड दिस देर इज़ अ ह्यूज हॉस्पिटल एरिया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स
मेडिकल स्टडीज। तो अगर आपका ऐसी किसी फील्ड के अंदर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, जो या तो कोई मेडिकल स्टडीज हो या फिर मेडिसिन से रिलेटेड स्टडीज हो या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें ये हमेशा टॉप पे आती है जर्मनी के अंदर, एंड इज रियली वेरी पॉपुलर। प्लस जो ये यूनिवर्सिटी है, इट्स लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज बेस्ड आउट ऑफ सदर्न जर्मनी, दैट टू इन बादन फुर्टनबर्ग स्टेट। सो डेफिनेटली इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी दैट वी कैन सी हेयर इन दिस गूगल इमेजेस एज वेल। सो लेट्स मूव टू देयर एलुमनी नेटवर्क साइज विच इज़ अबाउट 51,000। तो ये यूनिवर्सिटी फोकस करती है मेडिसिन स्टडीज़ में, बट इसके अलावा इनके अंदर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, हर तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। एंड ओवरऑल एलुमनी साइज ऑफ 51,000 इज़ अगेन वेरी इंप्रेसिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटी इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग। एंड दिस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग is again based out of state of Baden-Württemberg, which is in the south of Germany, and this is like based, so this is their university campus on Google Maps, and this looks such a beautiful town. Let's see their alumni network, which is about 67,000 people. अगेन वेरी ह्यूज। तो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। एंड टॉप 10 का मतलब ये नहीं है कि ये टॉप 10 इसी रैंक में है, एंड टॉप 10 का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में काउंट नहीं करी जा सकती, बिकॉज दैट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड ऑफ स्टडी। कोई यूनिवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एंड अदर यूनिवर्सिटी कैन बी स्ट्रॉन्ग ऑन द अदर टॉपिक। सो इनके अलावा जो बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली, टॉप में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका मैं जल्दी से नाम ले लेता हूँ। एंड दोज आर लाइक TU Dresden, University of Göttingen, University of Hamburg, University of Bonn, then TU Darmstadt, University of Cologne, and VU Erlangen-Nuremberg University, then Goethe University, which is in Frankfurt, then Friedrich Schiller University in Vienna, and then University of Stuttgart, then Ulm University, University of Würzburg, then there is Ruhn University, Bochum, and University of Münster. So these are also very very top quality universities in Germany. इसके अलावा भी जो बहुत सारी universities हैं top 50, top 100 की आप list उठा सकते हैं, and they are all very good because Germany के अंदर education is taken really very serious and quality of education is really really well maintained in most of the public universities and many of the private universities. And जो university का ranking का concept होता है ना, actually में Germany के अंदर नहीं होता। Mostly अगर आप Germany में job लेने जाएंगे तो those are totally skill based job, आपके उसमें skill देखी जाएगी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है वो देखा जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आप वहां पर टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट पक्की हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी रैंक 50, रैंक 100 वाली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आप जर्मनी के अंदर टॉप कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मोर देन द यूनिवर्सिटी, इट मैटर्स लाइक विच इंडस्ट्री डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन, एंड यू शुड फोकस ऑल्सो ऑन द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आपका एम है किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या मैनुफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर जाना, तो देन यू शुड फोकस ऑन लाइक यूनिवर्सिटी विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। अगर आपका स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, जैसे कि फाइनेंस या टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग से रिलेटेड स्टार्टअप हो गई, देन यू कैन फोकस ऑन द बर्लिन। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोकेशन पे भी ध्यान दें, बिकॉज लोकेशन से अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पर डेफिनेटली कुछ फर्क पड़ता है, बिकॉज आप उसके बेसिस पे नेटवर्किंग कर सकते हैं और अपनी टारगेट कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप या फिर जॉब के लिए ज़्यादा अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं। एंड इस वीडियो से आपको होपफुली एक तरीका मिला होगा कि आप लिंक्डइन के ऊपर जाके किस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी का एलुमनी नेटवर्क चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आपको वहाँ से एडमिट आया है एंड यू वांट टू चेक द एलुमनी नेटवर्क, देन यू कैन यूज लिंक्डइन फॉर दैट। उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी कितनी इन्फ्लुएंशियल है एंड कितने सारे लोग वहाँ से ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं एंड वो कितनी पॉपुलर है जर्मन रीजन में। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स और क्वेरी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू लेटर। बिस पेटर।